साहित्य जर्नल। जैसा कि हम मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज हम जिन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे उनको करने से पूर्व हम सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं या बैठकर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस, साइलेंट चिल्ड्रन। जैसा कि हम किसी भी अभ्यास को करने से पूर्व अपने शरीर को खोलते हैं स्ट्रेचिंग के द्वारा, तो सर्वप्रथम हम स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, हाथों को आपस में जोड़ें और इस तरीके से हाथों को ऊपर की ओर खींचें। धीरे से वापस पुनः अपने दोनों हाथों को उठाएं, गहरी लंबी सांस भरें, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, धीरे से वापस अब अपने पैरों को इस तरीके से खोल लें और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ ग्रिप बनाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे। इस तरीके से धीरे से वापिस पुनः आगे की ओर झुकेंगे, एक बार पूरा झुकेंगे, अब अपने पैरों को इसी प्रकार रखते हुए दोनों हाथों को इस तरीके जमीन पर रखेंगे और फेस को सामने रखेंगे और आगे बंद क्षमता के अनुसार रुकेंगे और क्षमता के अनुसार ही पैरों को खोलेंगे। धीरे से हाथ को यहीं रखेंगे और इस हाथ को उठाएंगे, फिर इस हाथ को रखेंगे, धीरे से आगे को सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने पैरों को फैलाएंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे और ऊपर खींचेंगे, पीछे को झुकेंगे, फिर आगे की ओर झुकेंगे और सांस को छोड़ेंगे, हाथों को अंदर की ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों ऊपर करेंगे, फिर धीरे से आगे की ओर, फिर पुनः ऊपर की ओर,
बैलेंस बनाते हुए करेंगे जगह पर वापिस, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पैरों को मिलाकर रखेंगे और हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से, फिर सीधा करेंगे वापस, फिर अपने राइट हैंड साइड झुकेंगे, फिर सीधे होंगे वापस, पुनः अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे और अपने लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे, धीरे से वापस, पुनः अपने हाथ को उठाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर, हाथ को सीधा करेंगे, धीरे से वापस, अंतिम बार जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक आसन भी है और एक स्ट्रेचिंग भी है। इसको करने से हमारे लेफ्ट साइड के हाथ, कमर, पीठ और चेस्ट में खिंचाव होता है और ब्लड हमारा, जब हम झुकते हैं तो ब्लड हमारा किस तरफ रह जाता है, राइट हैंड साइड, और जब हम लेफ्ट साइड से करते हैं तब हमारी पूरी लेफ्ट साइड में खिंचाव होता है और हमारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड। धीरे से वापस, अब हम आज जिन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाएं और आज हम जिस मुद्रा का पहले अभ्यास करेंगे उस मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को उस तरीके से फैला लीजिए, धीरे से अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे, उस तरीके से बैठ जाएंगे, गहरी लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे से बांधना है और जितना संभव हो सके आराम से आगे की ओर झुकेंगे। धीरे से वापस घरी लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर धीरे से आगे की ओर रुकेंगे, धीरे से वापस। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दोनों पैर बंधे हुए हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, अभी ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से, हमारा जो लोअर पार्ट है वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो गया है और जब हम इस मुद्रा में आगे की ओर झुकते हैं तो इससे हमारा जो उदर से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है वो दूर होती है, पाचन शक्ति हमारी मजबूत बनती है, जो कोष्ठता होती है, जिनको कब्ज की शिकायत है या जिनको पेट साफ नहीं होता है वो इस मुद्रा को करने से दूर होती है और हमारे जो अपर बॉडी है उसका भी अच्छे से व्यायाम होता है, खिंचाव होता है। एक बार पुनः करेंगे, हाथों को पीछे से बांधे और आगे की ओर झुके, धीरे से लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर आराम से मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को सामने की ओर इस तरीके से फैला लीजिए। पैरों को बांधने से जो हमारे पैरों में थोड़ा सा जो अकड़ापन हो जाता है उसको इस तरीके से मूवमेंट दे करके हम दोबारा से अपने पैरों को पुनः फोटो की अवस्था में ले आएंगे। अब हम जिस मुद्रा का अभ्यास करेंगे बच्चों, उस मुद्रा का नाम है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा
जैसे कि हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करने के बाद जब हम पंजे पकड़ के आगे की ओर झुकते हैं तो झुकने में हम सिर को घुटने से लगाने की का अभ्यास करते हैं, लेकिन इस समय हम क्या करेंगे, सिर को घुटने से लगाने का अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पैरों को पकड़ लेंगे। एक बार देख लीजिए, सांस भरते हुए गए और छोड़ते हुए इस तरीके से दोनों पैरों का घुटनों को हमने पकड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और अंदर ही रोक कर रखेंगे। लीजिए गहरी लंबी सांस, कुछ समय के लिए 5 से 10 सेकंड से वापस सांस भरी, फेस को अंदर की ओर किया और जो हमारा पूरा ध्यान है वो क्या होना चाहिए, हमारे मणिपुर चक्र। कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करेंगे, गहरी लंबी सांस, सांस को 5 से 10 सेकंड अंदर रोकिए, धीरे से छोड़ दीजिए, पुनः सांस लीजिए, 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकेंगे। तीसरे से पांचवी के बच्चे ही इस अभ्यास को करेंगे, फर्स्ट सेकंड के बच्चे सिर्फ आगे पैर को पकड़ लेंगे पर सांस को रोकेंगे नहीं। इस अभ्यास को करने से क्या होता है, हमारे उदर अंग जो है वो व्यवस्थित होते हैं, पाचन क्रिया में सुधार होता है और इससे हमारी इंटरनल जो उदर शक्ति है उसकी क्षमता बढ़ती है संपूर्ण शरीर की। तो इस जो मुद्रा का नाम है वो ताड़ा की मुद्रा है और उसका अभ्यास आपको प्रतिदिन कम से कम 10 बार अवश्य करना है। अब हम जो मुद्रा करेंगे उस आसन, उस मुद्रा का नाम है भुजंगनी मुद्रा। किसी भी आसन में बैठ जाए, चलिए हम सुखासन में बैठ जाते हैं। अब हम जो नाक से श्वास लेते हैं वो नाक से श्वास नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे पानी पीते हैं उसके बाद ही मुंह से श्वास लेंगे, है ना, और कुछ देर श्वास को रोकेंगे और उसके बाद श्वास को धीरे से बाहर निकालेंगे। तो श्वास कैसे लेंगे, मुंह से रोकेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे। क्या अभ्यास पाचक नस उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा है, हमारे जो ग्रंथियां और अन्न नलिका है उनको नया जीवन प्रदान करता है, हमारे पेट को स्वस्थ करता है और हमारी एकत्रित पुरानी वायु को दूर करता है। इसमें हमको श्वास छोड़ते समय डकार लेने की आवश्यकता होती है, जैसे हम डकार लेते ऐसे, तो जब हम श्वास छोड़ेंगे तो इस तरीके से डकार लेते हुए छोड़ना है। तो अगर आपसे ऐसा बन सकता है तो ऐसा आप करेंगे, अन्यथा श्वास लेंगे पेट से मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा श्वास को छोड़ेंगे, ऐसा कम से कम 20 से 25 बार अवश्य करेंगे। अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ होती है उसमें ये लाभकारी होता है। अब हम आज अंत में जिस मुद्रा का अभ्यास करेंगे उस मुद्रा का नाम है काकी मुद्रा। इस मुद्रा में भी हम होंठों को गोल करके मुंह से श्वास लेंगे, नाक से श्वास छोड़ेंगे और दृष्टि को बाहर कहेंगे, नासिकाग्र रखेंगे और इसमें हम कुंभक नहीं करेंगे, बस जितनी देर हो सकती है जितना हो सकता है इस क्रिया को बार बार करेंगे। एक बार देख लीजिए, मुंह को इस तरीके से बनाइए, श्वास लीजिए,
क्या करना है, मुंह से श्वास ली, फिर नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ी, और दृष्टि को कहाँ रखना है, नाक की जो टोन होती है, जो नॉब होती है उस पर रखना है। एक बार दोबारा देखिए, मुंह को ऐसा सकरा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। इस अश्विनी मुद्रा को करने से क्या होता है कि जो वायु हमारे मुंह से अंदर जाती है तो जो हमारे जो गले की दीवारें होती हैं उनको स्पर्श करती हुई जाती है, और हमारे शरीर में अंदर आपने देखा होगा कि शीतलता ही हमारे शरीर को प्रदान करती है, और नासिका की दृष्टि रखते हैं हम, तो जो नासिका की दृष्टि रखने से हमारी जो जितने भी लाभ होते हैं एकाग्रता से संबंधित ये सभी लाभ हमको मिलते हैं। और जब वायु का प्रभाव मुंह की दीवारों से होता हुआ अंदर जाता है तो ये अनेक बीमारियों को शरीर से दूर करता है। इस मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, काकी मुद्रा। बहुत ही सिंपल मुद्रा है, इसका प्रतिदिन 20 बार कम से कम 20 से 21 बार अभ्यास आप सभी मुद्राओं को करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको आपको उसके अत्यधिक लाभ प्राप्त होंगे। अब हम आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, अपने लेट पर जम जाइए। खींच कर रखिए आप लोग, वापिस एक बार पुनः करेंगे श्वास स्ट्रेच रहेगा, लेफ्ट स्ट्रेट राइट स्ट्रेट बैक मिनट तक शांत बैठेंगे और अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। अत्यधिक बैठ सकते हैं, 5 से ज्यादा भी मिनट बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रतिदिन अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हुए प्राणायाम अवश्य करना है। सिंपल ब्रीदिंग करनी है, श्वास लेनी है और छोड़नी है। अब हम कक्षा का समापन शांति पाठ से करेंगे, गहरे लंबे श्वास तो हाथ जोड़ लीजिए, शांति 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 ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावे। ओम शांति शांति शांति। सर जुगन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन मुद्राओं के दूसरे पार्ट को घर पर अभ्यास करेंगे और कदम उठाएंगे। थैंक यू जुगन सर।